नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के तरहवा और मैं हूं किरण कौर फहार। आप सभी लोगों के बहुत बहुत सवाल आ रहे हैं कि आखिर आप वो कहाँ पे, आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, आप हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हो, क्या वजह है, क्यों नहीं करते हो। बहुत सारे लोगों को सवाल पूछते हैं, इंस्टाग्राम पूरा भर चुका है और आप लोग बहुत दिन से मेरे वीडियो नहीं देख पा रहे हो, तो मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि मैं एक लंबे टाइम से आप सभी लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर कर रही थी और अचानक से मैंने उन्हें बंद कर दिया। एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे ये बताया था कि नहीं, बिकॉज व्हेन आई वाज शूटिंग दैट वीडियो सडनली आई गॉट दैट न्यूज, जो कि जिसकी वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ा। तो मुझे, मैंने उसमें बताया था बट एडिटिंग में मैंने उसे कट कर दिया, नहीं किया, क्या किया मुझे ठीक से याद नहीं है। तो इस वजह से जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से मैं आजकल वीडियो नहीं बना रही हूं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी इस वीडियो में कि मैं वो मेन रीजन आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि जो है आप लोगों को भी पता रहे कि एक्चुअली मैं हूं कहां और कब से वापस लौटने वाली हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने अपना जो भी लास्ट वीडियो बनाया था, आई थिंक 27 अगस्त को बनाया था, उसको जब मैं बना रही थी तो मुझे तभी पता चला कि मुझे अब ब्रेक लेने की जरूरत है। हुआ ये है कि मैं एक एग्जाम के प्रिपरेशन कर रही थी पिछले एक साल से और अभी मुझे उस एग्जाम का वो इंटरव्यू देने के लिए जाना है, बिकॉज वो मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका है। अब मेरा इंटरव्यू जो है वो कमिंग 7 या 8 को है, अभी पूरे तरीके से मुझे डेट एग्जैक्टली नहीं पता है, बट बिकॉज लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है ये चीज, सो मैं उसी की तैयारियों में लगी हुई हूं। और आप जानते हैं कि कोरोना का टाइम है और हर सभी के लिए क्राइसिस है, एक अच्छी जॉब होना हम सभी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। एंड जो जिस फील्ड में मैं हूं उस फील्ड के लिए तो वो बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है, बहुत बहुत मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जिसको मैं कुछ दिन में फेस करूंगी। तो इसी के लिए मैं कोई चांस नहीं देना चाहती और पूरे तरीके से मेहनत कर रही हूं, बिकॉज मैंने पिछला एक साल अपना बहुत ही इसमें कंट्रीब्यूट किया है, तो मैं अपनी किसी भी मेहनत को यहां पर जो है जाया नहीं जाना देना चाहती, इसलिए मैं अच्छे से अच्छे मेहनत कर रही हूं। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने मेरे को इतने दिन देखा है और मेरे वीडियोस के जरिए अगर कहीं भी आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हो पाई हो तो प्लीज उसी हेल्प के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा कि मेरा इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो जाए, बिकॉज कंपटीशन बहुत टफ है, सीट्स बहुत कम है एंड सिलेक्शन होना एक बहुत बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा तगड़ा कॉम्पिटिशन इसमें मैं फेस करने जा रही हूं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मैंने थोड़ी भी हेल्प पहुंचाई हो कभी भी किसी भी तरीके से, चाहे वो आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन देने की या किसी भी तरीके से हेल्प हो पाई हो, तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा अपने गॉड से, अपने अल्लाह मियां से, अपने भगवान से, अपने वाहिगुरु से कि प्लीज प्लीज मेरा सिलेक्शन हो जाए एंड मैं इस इंटरव्यू को क्लियर करूं। जब मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो मैं आप सभी लोगों के साथ डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी कि एक्चुअली मैं हूं कौन, मैं क्या करती हूं, मेरा क्या प्रोफेशन है और क्यों, किस जॉब के लिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूं। तो आई थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम है, इसलिए ज्यादा वीडियो नहीं बना सकती हूं और लंबा वीडियो भी नहीं बना सकती हूं, बिकॉज बहुत एक एक सेकेंड मेरे लिए इस समय कीमती है और आप सारे लोग इस चीज को बहुत बारीकी से समझेंगे क्योंकि आप सभी लोग भी इस समय किसी न किसी दौर से गुजर रहे हैं और नौकरियों की हम सबको जरूरत है एंड लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए भी मुझे इस चीज की जरूरत है, ताकि जो है मेरा हमेशा आगे बढ़ने का और कुछ नया करने का, लोगों की हेल्प करने का जो मेरा मोटो है वो मैं इस जॉब को लेकर सॉल्व कर पाऊं। तो आप सभी लोगों से दिली ख्वाहिश है मेरी ये और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा। एंड आप सोचोगे कि मैं ऐसे क्यों आ गई, तो मैं जस्ट नहा के आई हूं, अगर मैं बहुत ज्यादा मेकअप एंड ऑल करती है कुछ भी करती तो मेरा टाइम जाया जाता, मुझे सिर्फ आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको मेरा ये लुक अच्छा नहीं लगा है तो उसके लिए भी मैं आप लोगों से अभी के लिए थोड़ा सा सॉरी बोलती हूँ, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को अच्छे वीडियोस मिलेंगे और अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊंगी, लेकिन फिलहाल 7 या 8 तारीख तक जो भी मेरी डेट होगी, मुझे अभी अपना एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता चल पाया है, मैं कोशिश करूंगी कि 9 तारीख से मैं फिर से यूट्यूब पर लौट जाऊं। और जिन लोगों को भी मैं इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, लोगों के बहुत मैसेजेस हैं कि आप रिप्लाई नहीं करती हो, ऐसा नहीं है, मैं मैसेजेस देख ही नहीं पा रही हूँ, मुझे पता है कि आप लोग बहुत मैसेज कर रहे हो, मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, टाइम ही नहीं है, ये बहुत क्रूशियल टाइम है मेरे लिए
और मैं सोचती हूँ कि आप सभी लोग भी जो है बहुत सपोर्टिव हैं, हमेशा सपोर्ट करते आए हैं और एक कम्युनिटी को बढ़ाने में आपने मेरा सहयोग दिया है, क्योंकि मैं कुछ भी बोलती रहती तो ये यूट्यूब नहीं चल पाता। आप लोग आए, आप लोगों ने एक सहारा दिया, आप लोग इस कम्युनिटी से जुड़े और हमने मिलकर एक कम्युनिटी बनाई। तब तक के लिए जब तक मैं नहीं आती हूँ, मैं आप सभी लोगों से कहूंगी कि जो लोग ठीक हो चुके हैं या जो लोग अभी इस दौर से गुजर रहे हैं, वो लोग आपस में बातचीत कीजिए, एक दूसरे को सलाह दीजिए। अगर डॉक्टर के पास जरूरी है जाना तो उनको सलाह दीजिए कि डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ मेरी सलाह लेने चाहते हैं। दोस्तों, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं आप लोगों को सिर्फ गाइड करने के लिए आई हूं, इससे ज्यादा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं आपको एक राइट ट्रैक दे सकती हूं, मैं आपका इलाज नहीं कर सकती हूं। तो प्लीज प्लीज आप सभी लोग भी एक दूसरे की हेल्प कीजिए। अंतिम रूप से मैं यही कहूंगी कि प्लीज, आप 6000 लोग हैं, अगर 6000 लोगों की दुआएं जो हैं वो उस भगवान तक, उस अल्लाह मियां तक पहुंचेंगी तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात होगी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी लोगों से, प्लीज मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे इस एग्जाम को क्लियर होने की प्रेयर कीजिएगा। आई होप आप मेरी सिचुएशन को समझेंगे और मुझे थोड़ा सा ब्रेक दे देंगे। ये था मेरा आज का वीडियो, मुझे याद कीजिएगा, मैं आऊंगी 9 तारीख के बाद या 9 तारीख को, और फिर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन तब तक के लिए थोड़ा सा मुझे रियायत दे दीजिए और मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी लोगों से, प्लीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, मैं आप सभी लोगों की दुआएं चाहती हूँ और आपकी ब्लेसिंग से ही मैं कुछ अचीव कर पाई हूँ इस यूट्यूब पे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी वो सारी दुआएं जो है मेरे इस एग्जाम को क्लियर कराने में भी मेरी मदद करेंगी। प्लीज 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 मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे लिए भगवान से प्रेयर कीजिएगा। ये था मेरा आज का वीडियो, अगली वीडियो तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, डिप्रेशन में नहीं आना है, टेंशन नहीं लेनी है और खुश रहना है।